बाकी रोड क्यों है पूरा? ये हम खड़े हैं गांव साबण में, और यहाँ के जो सरपंच है वो है भाई चरण सिंह। चरण सिंह, चरण सिंह भाई, ये देखिए ये आसरा का माजरा का ये रोड जोड़ता है, ये बावल को जोड़ता है, और ये रास्ता लगभग 22 फुट का रास्ता है, चौड़ा है, सरकारी रास्ता है और सरकारी रास्ता है। ये देखिए इस रास्ते का निर्माण नहीं करवाया। क्यों नहीं कराया? यहाँ बड़े बुजुर्ग कोई निकलता है, कोई एम्बुलेंस निकलती है, कोई मरीज निकलता है, निकल सकता तो कोई भी गिर सकता है यहाँ पे, और चोटिल हो सकता है। ये नाला देखिए, ये नाला देखिए, ये नाला भी नहीं बने। ये देखिए ये नाला नहीं बना, रास्ता तो देखो ना पानी। ये मेरे साथ अनुप फौजी, फौजी का भाई कभी झूठ नहीं बोलते, फौजी भाई की समस्या है। फौजी का सूबेदार और कांग्रेस अनुप सिंह बोलूंगा, सूबेदार अनुप सिंह भाई, ये देखो बिल्कुल, ये देखिए ये रास्ता है, ये बिल्कुल, ये साबण गांव है। ये देखिए ये साबण गांव की हालत है। आगे देखो, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, कैसे होगा? नालियां तो है ही नहीं। ये देखिए कैसे होगा इनका, ये रास्ता किस बेस पे, देखिए ये देखिए जंगल है, मतलब पेड़ खड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे देखो ये पानी भरा है, ये मेन रास्ता नहीं है, ये मेन रास्ता 18 फुट का 22 फुट का है, इसको कौन बनाएगा? ये किसी पड़ोसी का खेत भी यदि पड़ोस में है तो उसकी फसल भी गल जाएगी, उसकी फसल भी गल रही है, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन आगे से आप निकलोगे नहीं इससे? जी सर, ये ऑलरेडी बना हुआ है, पहले ये उसके टाइम में काफी दिनों पहले बन चुका था, ये नीचे सीमेंटेड क्लियर है पहले ही। जी जी जी, अच्छा तो अब सर ये रास्ता, भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम तो भाई इंद्रजीत है। इंद्रजीत जी, ये रास्ता जो 22 फुट का आपका आ रहा है बार बार, ये क्यों नहीं बना, क्या क्या कारण इसका? जी मैं आगे कहानी पूछू ना? चलो ये तो मैं हम सर आगे कहानी क्या है पूछेंगे, ये तो हम सरपंच साहब से पूछेंगे। चलो धन्यवाद अनु भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इंद्रजीत जी। भाई आपने इनको कितनी ग्रांट दी? हाँ। और इस गांव में ये ग्रांट पास होगी, इसमें विकास क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं है ग्रांट? ग्रांट मिली तो ग्रांट गई कहाँ? गई कहाँ? किसकी जेब में गई? किसकी जेब में गई? ये देखिए आगे तक देखो जो ये गांव का हाल है, मेन रास्ता है बहन, ये गांव का हाल है। तो ये नालिया आदमी को निकलने की जगह नहीं, इधर नहीं निकल सकते, यदि आगे एक बारिश हो जाए तो आगे में दिखाई दिक्कत, निकलने की जगह नहीं। महाभारत होती है, ये देखिए ये पानी किस तरह से भरा हुआ है, यहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता। आगे देखो आदमी निकल नहीं सकता, ये नालियों की बुरा हालत हो रही है। ये देखिए ये है यहाँ का मंजर, ये यहाँ का मंजर है। इंद्र सिंह डीसी साहब के योजना में ये बना था, और बाद में वाटर सप्लाई के कारण इस रास्ते को उखाड़ दिया गया, और ये एज इट इज अब कबाड़ा बना करके छोड़ दिया गया, उसके बाद रोक दिया गया। ये देखो ये हालत देखिए, ये लैंटर का रास्ता था, ये देखिए क्या हालत कर रोक देगा रास्ता उसके बाद। इसे कहते हैं विकास, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक स्टंट और एक ईर्ष्या द्वेष भावना के कारण नहीं बनाया गया।